सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को एक से काफ़ी शानदार मुर्रा पशुधन दिखाने का जो प्रयास, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की जो हमारी कवरेज, आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी यादव डेयरी फार्म से। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जब जब हमने यादव डेयरी फार्म से कवरेज हमने की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पशुधन है वो देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो जोटी है वो आपको देखने को मिलेगी। और जब जब हमने यहाँ से कवरेज हमने की है जी, दूध प्यार का पशुधन है वो हमें देखने को मिलता है। तो आगे की जो डिटेल्स है भाई मंजीत से लेकिन उससे पहले जो भी भाई आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि इन फ्यूचर हम जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलवाना चाहेंगे भाई मंजीत से, और जो डिटेल्स है वो भाई मंजीत से लेंगे। भाई साहब नमस्कार। साहिल भाई, सबसे पहले आप इतनी दूर से आए, आपका बड़ा धन्यवाद। और जितने मेरे पशुपालक भाई वीडियो देख रहे हैं सभी को हाथ जोड़ के राम राम। राम राम जी। तो कैसे हो भाई साहब? बढ़िया है भाई साहब। काम कैसा चल रहा है भाई साहब अपना? काम तो आपको पता ही है, वैसे तो अपना हर टाइम अच्छा ही चलता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि अपनी तरफ से बेटर पशु दिखाएं भाई, अच्छी जानकारी दें। ठीक है जी, बाकी तो भाई देखने वालों का मुकद्दर कब क्या देखने को। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कैसा रहेगा भाई सब पशुधन? साहिल भाई, आज मेरे हिसाब से, वैसे तो हर रोज भाई बोल देते हैं कि भाई हमारी इतना देगी, हमारी इतना देगी। एट प्रेजेंट दूध तैयार की फर्स्ट टाइमर जोटी दिखाएंगे आपको। ठीक है जी, फर्स्ट टाइमर जोटी दिखाओगे आज दूध तैयार में। तो आज लगभग भाई सब कितने दिन की ब्याई हुई है और क्या कुछ दूध है? साहिल भाई देखो, खरीदी है मेरे हिसाब से आज 9 दिन के आसपास की ब्याई हुई है। 9 दिन की ब्याई हुई है। हाँ। ठीक है, और साथ में मेल काफ है। साथ में मेल काफ है। बच्चे को देख के मैं उसको खीस से खाली भी बता सकता हूँ, क्योंकि बच्चा अच्छा है, चमकदार है। ठीक है जी, लेकिन 9 दिन की ब्याई है। ठीक है, और पहले भैंत की जोटी है। ठीक है जी भाई, अभी मदर साइड बोल दें, जिससे मैंने खरीदी है उसने तो ये कहा था कि भाई बहुत ही अच्छी इसकी माँ, बहुत अच्छे दूध की है, लेकिन भाई वो है नहीं है, पता नहीं, इसने जाहिर कर दिया कि चाहे वो पीछे 12 किलो की हो इसकी माँ, चाहे वो 25 किलो की हो, लेकिन इसने ये कह दिया कि जिस कोख से निकले ना वो कोख सुच्ची कर दी इसने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, तो अभी फिलहाल मौके पे प्रेजेंट में दूध कितना है? साहिल बच्चे को बिल्कुल ना छोड़े, निचोड़ के निकाल ले तो 18 नहीं तो 17। ठीक है जी। हाँ, तो देखिए जी, बाल्टी का जो दूध है वो अभी फिलहाल 17 kg जो दूध है, 18 आप बच्चे समेत क्लियर मानो। ठीक है जी, क्योंकि कई भाई बच्चे का नहीं गिनते भाई, जिस दिन तक इसने बच्चे को जन्म नहीं दिया उस दिन तक तो ये दूध ही नहीं देती थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कई ग्राहकों के चक्कर में है ना, दो दो टाइम बच्चों के गला मुस जाता है। बिल्कुल जी, तो अपनी सोच तो ये है कि भाई एक टाइम बच्चे को पिला दो, एक टाइम क्लियर खाली कर लो। ठीक है जी जी। तो देखिये जी, मौके पे 18 kg जो दूध है अभी फिलहाल प्रेजेंट में जो तैयार, साथ में बच्चा क्या है भाई साहब? मेल काफ है साहिल। साथ में मेल काफ है। ठीक है, 9 दिन की ब्याई हुई है, मौके पे 18 लीटर जो दूध है अभी फिलहाल मौके पे प्रेजेंट में जो तैयार है भाई, बात करेंगे दूध। देखो, बोलने को तो सोशल मीडिया पे वीडियो आती हैं, आज फिर वही गिरारी फंस जाती है मेरे सोशल मीडिया वाले भाइयों से। ये हर चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि ये है वो है। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, दूध सबकी देती होंगी, बिल्कुल तो टिक्के वाले भी निकाल लेते हैं। हाँ जी, लेकिन इस जोटी में वो गुण है वो शायद किसी इंसान में ना हो। ये स्वभाव, स्वभाव सबसे ज्यादा 2.5 किलो से प्लस अगाड़ी अब। ठीक है जी, और अभी ये जो झुरियां पड़ी है ना, ये 20 प्लस की क्लियर जाहिर कर रही है। बिल्कुल, जिस दिन लेवा इस शेप में आ गया ना, हाँ, उस दिन 20 से प्लस मिलेगी। ठीक है जी। हाँ, कोई भाई लेके जाए जो दूध बता रहा हूँ, कोई अपनी को चाहे गुड़ की डली भी ना डाले, ये दूध कहीं चोले। ठीक है जी, मतलब एक मेरी सोच ये, चाहे 2 किलो कम दे दे, सर्व गुण संपन्न है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सींग छोटा भाई, क्वालिटी बढ़िया, थन बढ़िया, धार बिल्कुल अंगूठे जैसी मोटी चुवाई, साफ सुथरी। ठीक है जी, और मैं अपनी तो मैंने एक ही सोच है कि हर बार अच्छा पशु लेके आए। ठीक है जी। कई भाई जैसे गुआंड में आसपास व्यापारी होते हैं, कई भाई बोल देते हैं भला उसके वहाँ भाई रेट 5-10 हजार ज्यादा मिलेंगे, भाई अपने पास जो मार्का है ना वो भी नहीं मिलता। ठीक है, पूरे दिन 100, 50, 20, 30 जितनी भी मैसे देखते हैं उनसे एक लेता हूँ। बिल्कुल जी, नहीं तो मेरे घर का चैनल, ठीक है ना, मेरे को ब्याज पे पूंजी भी उठानी। बिल्कुल जी, कि भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है। ठीक है, मैन सोच ये है कि भाई बेटर से बेटर चीज आप दिखाएं। ठीक है जी,
तो अभी फिलहाल जी प्रेजेंट में देखिए 18 केजी जो दूध तैयार है और मौके पे गाड़ी क्या कुछ निकाल रही भाई मंजीत भाई? अभी फिलहाल मानसाइल तू सवा 2.5 किलो से प्लस मानो आप, 2.5 से प्लस, 2.5 से प्लस अभी क्लियर अगाड़ी अगाड़ी का दूध। ठीक है जी, तो देखिए जी पीछे से जो लेवा हुआ आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का अंडर में अनबैलेंस नहीं, ठंड है जी बिल्कुल मुट्ठी वाला जो लगा हुआ है, अभी से जो अंडर में जटे हैं वो आप देख सकते हैं। वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है, अपना बिक्री का काम है। हाँ जी, अपन एक करिश्मा मैस रखी है बिल्कुल, इसके बाद अगर उसके रिकॉर्ड को कोई ब्रेक करने वाली मैस अपने पास नेचुरल दूध की आएगी तो आप रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ठीक है, आज वीडियो का एक ही औचित्य है कि सोशल मीडिया पे जो चीजें देखने को मिलती हैं उन भाइयों को जवाब है। एक भाई 20-20 कह के और मेरे हिसाब से कपड़े भी बदलने लग गया। बिल्कुल, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 20 प्लस की खुली है, कोई भाई साई दे के देख ले। ठीक है जी, ठीक है साई देख, 20 के 20 के लूंगा, 17-18 के 17-18 के लूंगा। हाँ, नीचे की एक नंबर चुआई, एक नंबर दोज पोसाव सुभाव, खाने पीने की बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अपना किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आज 100% व्यापारियों में से आप 97% व्यापारी है ना अपनी टक्कर, नहीं तो आप मुकाबला मानते, क्योंकि वो काम करते हैं ना वो अपना है नहीं। बिल्कुल जी, वो भाई तो क्या करते हैं कि जैसे भैंस लेने गए भाई, गाड़ी लेके गए महंगी चढ़ा ले आए ना, यहाँ तो भाई आराम से देख के तसल्ली से लेते हैं, महीने में 10-15 पशु बेचते हैं, अगले की भी तसल्ली करते हैं और अपनी भी तसल्ली से लेते हैं। देखो अब ये जोटी है जो भाई ये कहते हैं मेरी 3 की बिग्गी, मेरी 5 की बिग्गी, भाई मारी कहानी ने, मारी लंगड़ी ने, मारी दूध में तारी थी माड़ी ने, लेकिन कारण क्या है बताए? आप भाव में लेते हैं, आप पशु सिलेक्ट करते हैं तसल्ली से आराम से दूध देख के, ये तो पहली बार रिस्क लिया था मैंने, जैसे अगले के मान ली रिस्क लिया था। अच्छा, पहली बार खीस ये मान लो 1 किलो खीस छोड़ दिया था, भाई ये नहीं पता था कि इतने से उठ जाएगी। अच्छा जी, हाँ भाई ये सोच थी कि इसकी जो ऑर्डर है ना वो जैसे मैंने खीस में भी देखी थी खाली हो गए बिल्कुल नहीं चढ़ गई थी, मगर कागजी है आर पार की है, तो कागजी में दूध पूरा है या फिर मेरे कागज है वो आधे हो जाएंगे, तो ही रिस्क है, तो मेरे खरी उतरी मेरी उम्मीद। एक जगह जी तन लाग ब्रीड थी कटे है वह जगह इब दिखा दिए, क्योंकि देखने वाला ही ना वह भी अपना है भाई ही, तो ब्रीड की बात अगर कई भाई कहते ना ब्रीडिंग करनी है भाई, ब्रीड थी मेरी जोटी कितने भी कटती हो तो दिखा दिए, पुछड़ है वह देख, ए यह देख लगभग 1.5-2 इंच सफेद है। बिल्कुल जी, कई भाई हैं दौड़ी पाओगे पकड़ के नू गया, 4 आंगल सफेद है वो पाओगे 8। ठीक है भाई, शरीर की जो ओरिजिनल दूध की शेप है वो या है, क्योंकि भारी मन करिश्मा करके देख ली। बिल्कुल जी, भारी भाई आंगा लगवा दूध में, अड़वा डांगर जैसे ये भी सही शरीर है इसका। इसमें प्योर दूध की है, कोई डाउट को नहीं। बिल्कुल जी, और जिस दिन पूरा पीक पकड़े इसे 3.5 किलो की गाड़ी काट देगी। ठीक है जी, एक बार लंबा चला के दिखा दीजिए जी, देखिए हाइट लेंथ का पशुधन काफी अच्छा है, फेस वैल्यू है वो आप इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा जो सींग थनो जो स्पेस है वो आप देख सकते हैं, जो फॉरवर्डर काफी साफ सुथरा जो काफी जो लंबी जो टैल और काफी अच्छी क्वालिटी का जो पशुधन, बिल्कुल छोटा जो सींग जोटी में लगा हुआ है, गर्दन की जो लंबाई है वो आप इसकी देख सकते हैं। और भाई मंजीत का कहना है कि 20 लीटर दूध का खुला पशुधन है वो आज आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, और फर्स्ट टाइमर जोटी इतना अच्छा नहीं नहीं भाई 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 नू नहीं भाई, मैं उरनू का दुखाट गाल ले दो रहे ना, साई कर लो 20 लीटर दूध की। हाँ हाँ ठीक है, मैं 2-4 दिन लूंगा भाई, मेरे साई का नहीं उठा, उनको 500 रुपया हम देना साई का भाई, मैं 20-30-50 हजार कितना है लो, दो एक टाइम खाली करके एक टाइम 10 लीटर में लाइव चला सकूं इसकी। ठीक है जी, ठीक है इतनी न्यू पता है कि एक 2 दिन पहले मन ने चुआई करती है नी, जैसे खरकी है भाई थोड़ा, हाँ इसने पैर ठा गया गन रख लिया, मैंने थोड़ा मैं पहले गर्म हो रहा था, कोई बात दिमाग में थी मन की मार दे लठ दो थी, तो भाई पिटेगी तो दूध चढ़ागी। इस जोटी ने एक टाइम का 11.5 लीटर दूध दे दिया, मेरा उस टाइम दिमाग में फिट बैठ गई थी कि 11.5 को सटोक करने की जगह है ना, तो यह दे भी गिर 11.5 दूध सटोक करके उगाली करी गई। बिल्कुल जी, ठीक ठीक है, खोर में मुंह दे दियो हमारी मैस ने, उल्टा मुंह जब ठाओगी जब माल खत्म हो लेगा। ठीक है, माल एक बात बता, रपिया ही तो काठड़ी चाहिए था हमने, नौमा में क्या बन लागती है, हर बाल्टी में दूध चौकी दो भाई की है। बिल्कुल, पर भाई जनता भी इसी है, फिर तुनु कहो ये उत्तम रण जाऊंगा, जो नु कहो ने अभी तनो देगी उत्तम रण जाऊंगा ना, तो आज सुन लो ईब दिखा लो करिश्मा, आप नु कहो था भाई ना दिखाण भी मना करे थे मंजीत, आज दिखा ले, आज हमारी मैस सेट है पूरी। बिल्कुल, ठीक है मैस ओरिजिनल सेटिंग में इसकी बारी है। बिल्कुल, कोई भाई नु का दूध ना दे
भाई तन्ना भी बहुत मारे मेरा खास खास आदमी ने दूध ना देवे भाई कुछ है आज यो बिलो दूंगा सौदा ने समझ में नहीं आने दू 48 डिग्री टेम्परेचर है किसी के मैं टक्कर में हो तो भाई तो लियो ठीक है जी माड़ा गाल लूनू जो 5 लाख दे दू पर माड़ा गाल की खंडाऊंगा भाई ने ठीक है ठीक है तू टेम्परेचर इतनो है बिल्कुल दूध बोड़ो है जितनो लोग पछाड़ी में काटी पूरा जोर लगाई उतनी गाड़ी काट दे लेकिन आज भी मैं इसकी सच्चाई बता दू मैं नो डाउट दूध की मैस है लेकिन एक सेटिंग कोनी भाई कोई भी भाई अगर मैस रखा है हमने कंपटीशन मेला चक्कर में मैस ज्यादा तैयार कर दी और ज्यादा तैयारी भाई दखल दे है आज भी भाई दिखने की चीज है ये उरे दिखा दे देख आज भी पुट्ठा पे देख मांस बिल्कुल फैट है बिल्कुल ठीक है ये फैट है सारी ये लेवटा है ये जिस टेमुरा आ जाओगा न्यू या खाल नहीं थी या खाल ना होगी लेवटा उसा भरिया होगी बिल्कुल लेकिन ये फैट है जो जो साई टाइम इसलिए ले रहे हम जो जो हम टाइम ले की मैस ने जैसे घुमावा हाँ केयर कर रहे हम मैस डेली मरी बढ़ती आवा है आज मैस में बढ़िया दूध है हम न्यू फेंक दे भाई कहन का वो कोनी भाई हमारी मैस में तैयार है दूध ठीक है उम्मीद यह है कि हम भाई पिछला रिकॉर्ड थी अग निकालने की कोशिश कर रहे हैं हाँ आज 48 डिग्री टेम्परेचर पर क्यों हम तड़के बड़ी बड़ी डींग आंख भाई हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे और फलान कर देंगे भाई हमने टाइम लगेगा बिल्कुल महीना भर हम और लेवांगा क्योंकि हमारी जितनी भी कोशिश है सारी भैंस की चर्बी काटन पे है बिल्कुल कि भैंस की चर्बी डाउन जाओगी तो भैंस पूरा पीक पकड़ेगी बिल्कुल उन भाई है ना कंपेरिजन भी रहे दिखा दूंगा मैं ई भैंस की शेप देख लो तो न्यू मान लो भैंस ने 1.5-2 महीना ब्याह इन्हें भी हो गया हूँ बिल्कुल जी आज यह शेप है तो हमने शरीर घटाया है मैं बिल्कुल जी वह वीडियो वह फोटो दिखा दो उस टाइम मैं इसकी सारी हड्डी हड्डी चिलकी ही जिस दिन यह हड्डी दिख गई ना उस दिन भाई हम दूध की 110% परफॉर्मेंस दूध की मैस की है वो क्लियर दिखा देना बिल्कुल ठीक है अगला दुनिया मान ले अपना अपने हिसाब से काम करे चलो टकड़े मारा टारगेट बे रखी है मारा कोई लोभ लालच नहीं ये हम दूध नहीं दिखावा कारण मैं अपना आज बता दूं इस वीडियो में आज हम दूध नहीं दिखावा क्योंकि हमारी मैस दूसरा ब्यांत में हम सत्यापित कर चुके आज दूध दिखाने का कारण ये है हमारे पास ये खड़ा है जिनकी मैस बूस्टन थी आज दे 28 किलो दूध और वो अगला हम दे दी 33 किलो 35 किलो मारा कहने का उचित ये है हम कल भी साफ थे और आज हमारे दो वह चीज खड़ी है कोई हरियाणा में तो बंद ही बैठे होने एक मिनट में न्यू कदम बैठ जाए तो उसने बैठना पड़ेगा बिल्कुल ठीक है क्योंकि दाग है ना वो सदा से तैयार है बिल्कुल जो बड़ा बुढ़ा घर था नूल पंचायत में चौधरी बनने की जरूरत को नूल बैठ जाए नीचे नूल क्यों नूल तारा कुण बा में यो काम कहानी का पहले दाग लोहेड़ो है तो वह हमारी कोशिश यह है तेरा आगे हमने सरूती लेके आज तक दिखाता लिया है बिल्कुल एक दिन की उम्र में झूठ नहीं बोली ठीक 18 महीना का हो जाओगा मेरे ख्याल में 8-10 दिन पाछे ठीक है बीच में तेरा आगे मरण की स्थिति पे भी गया हमने पब्लिक से कुछ नहीं छुपाया बिल्कुल और आगे भी हम सीमन का महकमा में स्टार्टिंग थी कहाँ था भाई इतना किसान ही देसी तो सांग होनी करती चरा के देते हैं लेकिन इतनी चाहे वचनबंद कर लियो भाई ना तो हम डुप्लीकेट सीमन देंगा ना हम किसी ने कहने जाऊंगा हमारा सीमन ले लो भाई मारा काटड़ा दिखा देंगा मैं खड़ी है दूध दिखा देंगे इससे आगे हम किसी को कोई वो नहीं देवांगा अच्छा इसके बाद में यो गवर्नमेंट सीमन का है मैं एक बार मतलब इसका चाहूं भाई मेरा डीएनए हो इसका तो मैं कोशिश साफ सुथरी उसके बाद में आप आ जाओ यो कोहिनूर का बच्चा जी इसके बाद में इससे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन किसी के पास नहीं है किसी के पास हो तो बता दो 27 किलो 200 कुछ ग्राम दनोन तोल रखा है 28 किलो 66 ग्राम इसने तोल रखा है बिल्कुल जी कोई नूर एक प्रोजनी टेस्टेड बुल है बिल्कुल जी जिसकी कटड़ी 18-20 किलो तक आई है फिलहाल उसका बेटा हो गया बिल्कुल जी इसकी जो नानी हवा दन्नो होगी बिल्कुल जी ठीक है इसकी माँ करिश्मा होगी बिल्कुल ये पंचायती जोटा की है इसके बाद में तो भाई साहब मेरे हिसाब थी कोई घर ही चाहे कमी नाम अपना उधर लियो छुआरो हमने किसी कोई आंट नहीं तो आज भाई साहब नाम क्या कुछ नाम इसका भाई साहिल हमने नाम रखा था पहले अच्छा अपने जैसे दोनों भाई डिस्कस करी थी वो एक भाई ने एक वीडियो बना के पहले रख दिया जी। एक पहले एक कटड़ा था हमने उसका भी टिकैत नाम रखा था फिर गैल एलडीएफ मारा तो सोचन थी पहले विवरण भगवान दूसरा कान में बता दे ईव हमने इसका नाम अजूबा रखा अजूबा हाँ कोई नूर का बेटा करिश्मा का बेटा डायरेक्ट और इसका नाम अजूबा हाँ ठीक है तो देखिए जी आज की वीडियो में खून मिला के अजूबा निकाला आज मेरी वीडियो में ओपन किया ना भाई हाँ पहली बार ठीक है किया। तो
तो देखिए जी अजूबा आप यहाँ पे जैसे कि जो देख पाएंगे, और जो पिछले ब्यात का जो शिल्लू है वो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, तैयारी काफी अच्छी है। जो कही थी ना वह चीज आज दिखा देना भाई, एक बार खोल के लगा मैं इसके दौरे। हमने न्यू कही थी आगे कदे भैंसर काटड़ा बाहर निकालांगा, कंपटीशन में लेके उसे भी देखा था। हमने न्यू कही थी भाई भैंसर काटड़ा देखने खातर चेहरा में शरीर में पीछा आना पड़ेगा, टेस्टिकल रोड़ी देख लो ना बेरा ना पटेगा। वो टाइम मारा ज्यादा दूर को नहीं, लोग झूठ बोल बोल उम्र में रटबट कर ली। आज हम आपने नू क्लियर दिखा सका, हाँ भाई मैं सर काटड़ा तरछा कर ये कल करी। माँ और बेटा जो की दोनों के दोनों जो साथ, और आज की डेट में कहीं ना कहीं कटड़े लगभग 18 महीने का हुआ नहीं ना भाई, अभी ना हुआ है 10 तारीख को जो कि 18 महीने के कंप्लीट होगा। और आप ये देखिए जी हाइट लेंथ बिल्कुल अपनी माँ से कहीं ना कहीं कुछ दिनों में जो कि प्लस है वो चला जाएगा जी भाई। और मेल है जी काफी अच्छी, जो नीचे से जो इसकी जो टेस्टिकल हैं वो हमें जो देखने को मिले, और जो माँ है इसकी जो अडर की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं जी। और अभी से काफी ज्यादा जो गुलजटे हैं और अच्छा खासा जो की आपको भाई मंजीत है चलो ठीक है। हमें आज भी ऊपर ऊपर मात्मा ना मारते ही दो रोटी टाइम की अच्छी दे रखी ही, भाई इज्जत दे रखी है ठीक है ना। तो सो ही यार अपना मन में कमी टीरी खा मने दो अन्ना आदमी कह दे बैठ जा टिक्का लगा रखे हैं बिल्कुल ठीक है, वह इज्जत आज मारी मार्केट में से। तो मेरी तो सोच सही लिया है अगर भाई अपनी और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस हम दे बिल्कुल, जो मेरी पर्सनल सोच है बिल्कुल। बाकी भाई पब्लिक है सबकी अलग अलग सोच है बिल्कुल जी। कोई देसी खा को डालडा खा को भाई सरसों का तेल में चुका है, तो सबकी अपनी अपनी समझ है। ये देखिए जी काफी हाइट लेंथ जी कटड़े की 18 महीने में काफी अच्छी जो देखने को मिली। और ये देखिए जी जो कटड़े की जो क्वालिटी है, जो हाइट लेंथ, जो वापसी की जो तैयारी है वो हमें काफी अच्छी देखने को मिली। तो कोई भी पशुपालक भाई जो फर्स्ट टाइमर जोटी के बारे में जो पूछना चाहते हैं तो भाई मंजीत के जो कि स्क्रीन पे नंबर आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे जी किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास, तब तक सभी भाइयों